भाई पखारी अब तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है। दा चढ़े सजनोली मेरा सजना। तो पखारी अभी हमें छोड़ के जा रहा है। यस पखारिया मैं अकेला रह जाऊंगा यार। पखारिया मैं अकेला रह जाऊंगा पखारिया। तू भी घर चला जाइयो। पता नहीं यार मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। भाई साहब पखारिया जा रहा है भाई। पखारिया चल भाई। बाय पखारिया मिलते हैं। आर्यन तू कहाँ जा रहा है? तू भी अच्छा बाय। हरिओम का जाप करते हुए तो फिर ये सारे पैकिंग कर रहे हैं एंड कल घर जाएंगे। आर का घर जाने वाला है। यस कब जा रहा है? कल कल निकल रहा है। अथर मम्मी का फोन आया था मत आओ कह रहे थे तुम बता राशन खत्म हो जाते घर का। भाई इसने इसकी मम्मी ने बताया ये अरे नया बोल रहा है कुछ नया बोल आर का यार। एक्सक्लूसिव खबर अथर घर नहीं जा रहा। क्यों? अथर किसी तो सब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आर का ये रहा और अथर भी सोच रहे घर जाने। मैं भी सोच रहा हूँ घर जाने के लिए बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस घर जाने के लिए। तो कोई नहीं देखते हैं अभी जाते नहीं जाते हैं बट इन सब की पैकिंग तो शुरू हो चुकी है। अभी हमारी छुट्टियां हैं 20 से 30 तक छुट्टियां हैं। आर का जाएगा अभी। तेरा जिम का क्या होगा? उधर भी जिम करेगा भाई। आर का यहाँ पे जिम करता है और इतना वही तो जिम करना है। रसगुल्ले खाना इम्पोर्टेंट है भाई। खा भाई तो रसगुल्ले बार बार थोड़ी मिलेंगे। हाँ और हमारे लिए भी ला भाई। पता है ये जाता है ऐसे और ऐसे तोंद लेके आता है फिर बड़ी सी। अब तो तोंद चला गया। हाँ चला गया जा रहा है। कोई नहीं गलत सहमिया तो होती रहती है। हम काटते हैं इसको। रूम रूम चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। नाइस अथर अच्छा लगता है तुझे ऐसे बुली करना जानवरों को? खा रहा है वो इतना सारा खाना दिया ओवरलोड हो गया खाना। निंजा टेक्निक। तो अभी बस सब जाने की तैयारी कर ही रहे हैं एंड सब हॉस्टल से जाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। पूरा हॉस्टल खाली होता जा रहा है और ये मौसम भी पता नहीं क्यों इतना बेगाना कैसे हो रहा है। वैसे सही है मुझे ऐसे मौसम में बहुत सही लगता है। लाइक मैं ऐसे मौसम में बारिश जब भी हो रही होती है मैं बाहर चला जाता हूँ एंड छाते के साथ जब बारिश हो रही होती है तो पूरा लुफ्त उठाते हैं। तारी है आसमान में कबूतर मतलब भाई कुछ अलग सा ही माहौल हो रखा है। यहाँ पे धूप आई हुई है यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही है वहाँ पे अंधकार छाया हुआ है। दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली पता नहीं क्या हो। बारिश ही हो जाए अच्छा है यार नहा वहा लेंगे बहुत दिन हो गए। तो सौम्यम बस्ता वस्ता लेके रेडी हो रहा है यार मन नहीं है जाने का। चल चल कोई नहीं। कहाँ जा रहे हैं वैसे? मैं जा रहा हूँ। कौन से घर? अरे भाई घर जा रहा हूँ अपने घर। अपने डेट दिखा देता हूँ पता चला फिर बाद में कोई शक। 18 तारीख है ना? 19 तारीख है। 19 तारीख 3:19। कोई नहीं ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं होती यार हम भरोसा करते हैं और कहीं नहीं जाता तू। चल कोई नहीं चलो चलो। आप नहीं जा रहे क्या? आप अरे ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। अच्छा अच्छा स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस फॉर स्पेशल पीपल। यस पर स्पेशल क्लास कौन अटेंड करे? मैं तो सावन गौर हूँ। जाऊंगा यार। चल ठीक है फिर बस बैक पकड़ रहा हूँ। चल ठीक है आप वीडियो के लिए पकड़ लो वीडियो। ओके आरका तू भी जा रहा है। तेरा बैग बैग पैक कर लिया आरका ने इतने बड़े बड़े बैग पैक कर लिए। खैर अब ये खाली बैग लेके जा रहा है ताकि अब जब आए तो पूरा मिठाई विठाई सब कुछ भर के लाए। इसमें भी देखना पता नहीं सब कुछ डब्बे वब्बे सब पैक कर लिए हैं। क्या लगता है आरका इस बार क्या क्या लाने वाला है तू? रसगुल्ला वैसे सावन के लिए जाऊंगा बाकी सब। क्यों मिल ले क्यों नहीं? तू मेरे को बुली कर। मैं तुझे बुली करता हूँ यार। कट, यही कट, कट, कट। नहीं, सावन अभी
जिम जा रहा है ना तो डाइट के लिए उसको नहीं चाहिए। बॉडी बना खाऊंगा। बॉडी बना के आएगा? बल्किंग करके आऊंगा। बल्किंग नहीं, ये बोल ठूस ठूस के आएगा सब कुछ। पूरा हॉस्टल के करूंगा। चल ठीक है, हॉस्टल खाली हो रहा है बस लिटरली। अथर्व, अंश, पखारिया, प्रेम, पवित्र सब चले गए, सौम्यम चला गया, बस लास्ट चिराग मैं बाकी हूँ और तू बाकी है। तू तो अभी जा रहा है, चिराग भी जा रहा है, बट मैं शायद कल जाऊंगा। तो देखते हैं यार, वैसे पहले पुराने जैसा हाल ना हो जाए। ये मैं क्या सोचा इस बार सुबह जाऊँ, रात में ना सेफ नहीं है आजकल। तो मौसम का रुख थोड़ा बदल सा गया एंड अब बारिश भी होने लग गई, कल से हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश। एंड चलो ठीक है, बढ़िया ही है, अच्छी लग रही है ऐसे बारिश में, तो बारिश अच्छी लगती है। अरका चलो फिर, देख रहे अरका का सामान देख रहे हो भाई, ये इतना सारा तो लेके कैसे जाएगा भाई साहब? अरका इसी के लिए तो बॉडी नहीं बना रहा तू। अरका तूने लॉक वॉक लगा दिया, चलो ठीक है अरका, चल फिर ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर छुट्टी के बाद, फिर इसको भी मिलते हैं, हम बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके भैया, हाँ भाई चल भाई। तो अब पूरा लगभग पूरा फ्लोर खाली हो चुका है, मतलब लगभग हर कमरे में ताला लग चुका है, कमरों में ताला लगा हुआ है। अथर्व के कमरे में ताला नहीं लगा हुआ है क्योंकि इनका ताला खराब हो गया, बट इनके कमरे में ताला नहीं लगा हुआ, तो कोई नहीं क्या ही है। तो लगभग पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है, मतलब जो सेकेंड ईयर के हैं घर जा चुके हैं। एंड बस अब मैं भी जा ही रहा हूँ, आज रात की बस है मेरी। बट मुझे अपना पिछले बार का एक्सपीरियंस याद, भाई साहब पिछली बार भी मेरा ऐसे ही था, लाइक मेरी रात की बस थी एंड 10:30 की बस थी कश्मीरी गेट में, एंड 10 बज रहे थे, थोड़ा लेट हो चुका था, मैं फ़ोन में उबर भी देख रहा था। तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ, वहाँ पे ऑटो था एंड मैं ऑटो के पास गया, पीछे से स्कूटी आया एंड फ़ोन ही ले। पिछली बार में मैं घर नहीं जा पाया, दिवाली से घर नहीं गया मैं, जब दिवाली थी पिछली बार जब भी थी, तो दिवाली से मैं घर नहीं गया हूँ। एंड अभी बीच में जाना चाहता था बट आपको तो पता ही है क्या हुआ, किस्मत नो वट, अब फिर से मेरी वही बस ही है। अब मैं फिर से उसी बस से जा रहा हूँ एंड रात की है कश्मीरी गेट से, वही सिस्टम है, 10:30 की बस है। एंड अब देखते हैं, काश फिर से वैसा ना हो, बट मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, यू नो जब एक बार हो चुका होता है वो चीज़, तो आपको डर लग ही रहा होता है उस चीज़ के बारे में। बट ठीक है, कोई नहीं, अब जल्दी से पैकिंग वैकिंग करते हैं। एंड बात है ना कि यहाँ पे ना जो हम धोबी को कपड़े देते हैं, लाइक थोड़ा सा लाइक कपड़े थोड़ा वैसे कर ही देते, मतलब यहाँ पे अच्छे वॉश होते ही नहीं है। तो ठीक है, अपने जो गंदे गंदे कपड़े हैं मतलब वो ले जाते हैं, मतलब सारे कपड़े जो है मेरे वो ले जाते हैं, तो वहाँ से वॉश करेंगे। उनकी हालत भी बहुत नासार सी हो रखी है जो कि हमेशा ही रहती है, तो कोई नहीं, अब जल्दी से अपना बैकपैक जमाता हूँ एंड ये वाला सूटकेस भी ले जाता हूँ। एंड पता है क्या हुआ था, जैसे ही मेरा फ़ोन चोरी हुआ था मैं इस सूटकेस को छोड़ के बस उसके पीछे भागने लग गया था, बाइक वाले के पीछे, एंड ये मैं वहीं छोड़ गया था, मतलब मैं ये भी चोरी हो सकता था, लाइक वो तो किस्मत रही कि गार्ड ने रख लिया था ये बैग। तो इसे भी निकालते हैं यार, थोड़ा ओ भारी सर है। भाई मेरे किसी भी बैग में स्पेस ही नहीं है भाई, मतलब तीन बैग है, तीनों बैग भरे हुए हैं, पता नहीं कौन सा बैग ले जाऊंगा, कपड़ों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे ना कैसे कर, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। यार मुझे कैसे भी करके ये बैग चाहिए एंड ये सारे कपड़े जो मेरे ठंडे हो गए हैं ये सारे मेरे को शायद अलमारी में फिट करने पड़ेंगे जैसे ना तैसे करके, ताकि मैं जो कपड़े मुझे ले जाने हैं वहाँ पे वो ले जा सकूँ, और प्लस घर से भी कुछ सामान होता है तो वो भी लेना होता है, तो ये एक बैग तो चाहिए, तो ये सारे चीज़ें कपड़े मेरे को हटाने पड़ेंगे, कहीं तो रखने पड़ेंगे भाई। वो तो बैग था ही मेरे पास, ये दोनों बैग भी है मेरे पास, देखो कितनी मिट्टी आ चुकी है, मतलब ये हमेशा से यहाँ इसके ऊपर ही रहते हैं तो बहुत सारी मिट्टी है इसमें। एंड ये सारे मेरे कुछ सूट होते हैं, लाइक कभी फेस्टिवल वेस्टिवल या तो कभी कुछ पार्टी वार्टी होती है तो उनमें थोड़े सूट वूट काम होते हैं, तो एक बैग पूरा उन्हीं से भरा। तो लगता है इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बैग भर के नहीं जाता मैं वैसे, अक्सर ना बहुत ज़्यादा बैग भर के चला जाता हूँ, फिर मम्मी घर जाकर गाली देती है इतना भारी भर के हम बैग ले आए। मैं पिछली बार गया था, मैं शायद 2-3 दिन के लिए गया था एंड मैंने
शायद 10 टी शर्टें रखी थी, 4 पैंटें रखी थी, ठीक है जो भी था वो पता नहीं क्या। मेरी जरूरतें कम है तभी मेरे वजीर में दम है, ठीक है क्रिंज हो गया बहुत। पैक हो गया लगभग एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज रख लेते हैं जो कि होता है टूथब्रश। सो मैं ये टूथब्रश हमेशा भूल ही जाता हूँ रखने से पहले। कैसे पहुँचाऊँ भाई साहब, अभी रुक जाओ घर में जाकर थोड़ा विस्तार में बताऊँगा। अभी तो क्या ही है, अभी तो भाई मेरे नक्षत्र ही गलत है भाई, मेरे नक्षत्र ही सही नहीं चल रहे भाई। मुझे कुछ झाड़ फूक के चल रहे थे जहाँ तो मुझे लग रहा है एडवेंचर्स पे एडवेंचर ही होते हैं भाई मेरे साथ। लग रहा है मुझे ज़िंदगी में थोड़ी तमीज की ज़रूरत है भाई, इतनी बुरी किस्मत किसकी हो सकती है भाई। भगवान का नाम लेना पड़ेगा दिन रात, तब जाकर कुछ होगा। अरे 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 मैं पहुंच गया घर एंड अभी सुबह सुबह आया एंड सुबह मैं 7:30 या 8 बजे आया लगभग एंड तब मैं सो गया उसके बाद एंड अभी 1 बजने वाले हैं। तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ मेरी क्या जर्नी रही भाई। 11:30 बजे की बस थी, 10:30 बजे निकल गया था एंड ऑटो मिल गया था एंड ऑटो भी पता नहीं कहाँ दूर दूर से ले जा रहा था, तो मेरे को इतना डर लग रहा था पता नहीं मैं पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। बट जब मैं पहुँचा तो मैं 1 घंटा पहले पहुँच गया, लाइक मैं 10:30 बजे निकला एंड मैं 11 बजे तक पहुँच गया। एंड मेरे पास टाइम था, आधा घंटा 40 मिनट का टाइम था मेरे पास, तो मेरे को लगा वाह आज तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गया। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन 5 था गेट नंबर, ठीक। तो मैं ऑटो से गया था, ऊबर किया था मैंने, तो ठीक है मैंने पे किया उसे। मैं आराम से बैठा हूँ है ना, आराम से मेट्रो स्टेशन के बाहर कॉल कर रहा हूँ बस ड्राइवर को, ठीक है कहाँ पे हो क्या हो वो बता रहे हैं डिटेल्स की नहीं अभी नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस बार तो सब सही जा रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया मेरा बैग कहाँ है। मतलब मेरे पास मेरा वो ट्रॉली वाला बैग तो था ही, बट मेरा पीछे वाला बैग था मेरे पास जो कि अब नहीं था मेरे पास। मैंने रियलाइज़ किया ओ शिट वो तो गया, तो वो ऑटो में ही छूट गया था एंड ऑटो गई वापस कहीं दूर जहाँ जाना था उसे। तो फिर मैं उसे कॉल करे जा रहा हूँ, मैंने ऊबर की हेल्प उसमें किया एंड वहाँ से उसका नंबर निकाला एंड नंबर भी नहीं मिलता बट चला जाता है। तो मैंने उनसे बात करी एंड 15 मिनट बचे हुए थे एंड बस आने को, ठीक है। तो मैं कॉल कर रहा हूँ भैया कहाँ पे हो, भैया कह रहे हैं भैया मेरी तो छुट्टी हो गई मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं घर चला गया हूँ। मैंने कहा भैया जी प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे बैग चाहिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार अब तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भैया कुछ ना कुछ तो कर ही दो यार, आपको दिल का वास्ता। मैंने कहा चलो ठीक है 10-15 मिनट लगेंगे एंड लिटरली वहाँ से पता मेरे को कॉल आया जा रहा है उसका बस ड्राइवर का, कहते मैं फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ मैं आ गया हूँ भाई जल्दी आ जाओ। हाँ जो मतलब हो रहा है, मैं ऑटो वाले को कॉल कर रहा हूँ, बस वाला मुझे कॉल कर रहा है, पूरा दिमाग खराब हुए जा रहा है। बस ड्राइवर ने इतना कॉल किया लाइक 11:30 की थी, 11:35 हो गए, मेरे को बस ड्राइवर बोले जा रहा है कि यार भैया क्या कर रहे हो कहाँ पे हो हम छोड़ के चले जाएंगे आपको। मैं फ्लाईओवर पे ना बस के आगे खड़ा हुआ था, वो कह रहे थे येलो कलर की बस है, मैं बस के आगे खड़ा हूँ, मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ बस के अंदर क्योंकि बस के अंदर एंटर कर दूंगा तो बस चली जाएगी। मैं तो ऑटो वाले का वेट कर रहा था, मैं उसे कॉन्टैक्ट ही कैसे कर रहा था ड्राइवर को, लाइक ऊबर में जाकर वहां से कॉन्टैक्ट कर रहा था बट अब वहां पे उसका कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। तो अब मेरे को लगा ऑप्शन भी नहीं आ रहा है कॉन्टैक्ट का, अब कैसे ही करूँ कॉन्टैक्ट, तो मैं बैठ ही जाता हूँ बस में। तो मुझे लगा नहीं अब नहीं हो सकता, मेरे को बैग नहीं मिल सकता, तो मैं बैठ गया थका हारा बस, रुकी हुई थी बस, ठीक है जस्ट 1 मिनट रुकी हुई थी, लोग बैठ रहे थे थोड़ा और मेरा ही इंतजार कर रहे थे, लाइक मैं ही था वो जो जिसके लिए पूरी बस वेट कर रही थी। तो बस मैंने कहा एक लास्ट ट्राई मार देते हैं थोड़ा हेल्प में जा, वहाँ से मुझे लकीली नंबर मिल गया। तो मैंने कहा चलो एक लास्ट ट्राई, एक लास्ट बार कॉल करके देख लेते हैं। तो कॉल किया, लग गया, ठीक है लास्ट रिंग तक लग गया, ठीक है लाइक ना 8-9 रिंग चली गई थी, 8-9 रिंग, फिर उसके बाद लास्ट कॉल पे उठ गया।
तो उन्होंने कहा कहाँ पे हो, मैंने कहा वहाँ, मैं तो यहीं पे ही हूँ, मैंने कहा मेट्रो स्टेशन पे, उन्होंने कहा कि मैं मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा अरे यार, फिर बस चल रही है, बस चल रही है, लिटरली मैंने बस को करा भैया भैया रुक जाओ, मेरा बैग छूट गया मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं लिटरली भागा हूँ कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5 पे हाथ ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, वो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन 4 पे खड़े हो रखे हैं, ठीक है। तो मैं वहां से 4 नंबर गेट पर भागा, एंड जो मैं भागा हिस्सा वहां पे भी मैं हाथ ऊपर 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 कर, और मुझे फाइनली भैया मिल ही गए। भाई साहब इसका क्या लगेगा चार्ज, क्या तो भैया 100 रुपये लगेगा। खैर अच्छा उन्होंने कम ही मांगा 100 रुपये, खैर अगर वहाँ पे वो 300-400 रुपये भी मांग लेते तो ऑब्वियसली यार मतलब देना ही पड़ता, ठीक है, उनसे भी क्या ही निगोसिएशन करता ज़्यादा, क्योंकि बस वहाँ से फूट रही थी, जा रही थी, निकल रही थी भाई, और यहाँ पे मैं 12 बज चुके हैं, वो बस चली जाती तो मेरे पास तो दिन का ही सवाल होता जाने का। बैग लेके भागा हूँ, मतलब लिटरली भाई साहब बस भागते गया भागते गया भाग, 1 किलोमीटर से ऊपर का तो रास्ता हो गई लाइक, तो मेरे पेट में दर्द होने लग गया था एक टाइम पे। तो नहीं, सारी भीड़ हो रखी होती है कश्मीर गेट पे, लोग होते हैं उनको मैं टक 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 करके भाई साहब ऐसे करके बस के अंदर पहुंच ही गया। भाई वो कह रहे भैया आपकी वजह से लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उनको आगे भी रुकना था, आगे जाकर वो गालियाँ खाए। मेरे नक्षत्र है ना जो, वो थोड़े ख़राब चल रहे हैं, मुझे थोड़ा हवन ववन कराने की ज़रूरत है। और एक और ये मेरे कमरे का मेरी बहन ने पता नहीं क्या हाल कर दिया, ये क्या है, ये फ्रेंड्स का पूरा चिपका दिया। ये मेरा कमरा हुआ करता था, जो पहले मेरी वीडियोस देखते थे उनको पता ही होगा ये यहाँ पे पूरा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता नहीं ये क्या है, ये तो मैंने रीलों में ही देखी हुई है, जो इसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसे। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मैं लैपटॉप अपना पुराना लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। अरे चुप हो जा भाई, इसको बंद करना पड़ेगा भाई। मैं अभी अपना पुराना लैपटॉप ऑन कर लिया है, एंड मेरी फेवरेट गेम थी, मैं बहुत खेला करता था फीफा 14, तो उसी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, शायद एक दो मैच खेल लूँ और मज़ा आ जाए। एंड उसके साथ ये जॉयपैड लाइक ये अभी काम तो नहीं कर रहा है, बट देखते हैं इसको कैसे काम कराते हैं। मैं बहुत खेला करता था भाई, मतलब ऐसे मैंने 8-9-10 जॉयपैड तो खेल खेल के तोड़ दिए होंगे। पिछली बार घर दिवाली पे आया था, एंड जब भी पता यहाँ पे आता हूँ ना, लाइक मैं घर भी ऐसे आता हूँ 6-7 महीने में 8 महीने में, तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, यहाँ पे इतने सारे घर बन जाते हैं लाइक घर ही घर। शुरुआत में जब मैं कॉलेज भी नहीं गया था, जब हम शुरू में यहाँ पे आए थे तब लिटरली 3 घर थे, वो भी बन ही रहे थे, और उनमें से एक हमारा घर था। तो यहाँ पे पूरी जगह में बस 3 ही घर थे, अब यहाँ पे इतने घर ही घर हो गए भाई साहब। ये जो आगे घर देख रहे हो, ये आगे जो है यहाँ पे पूरा खाली था, यहाँ पे मैं और अभिषेक जो है एक्सरसाइज करते थे, ये जो आगे वाले 2 घर हैं, ये आगे जो घर हैं, ये वाला घर, ये घर, कोई भी घर नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं। अब देखो जैसे कि वहाँ पे भी देखो नए नए वो बन रहे हैं। पहले यार ठीक था यार, थोड़ा खाली खाली सा था तो थोड़ी शांति भी थी, खैर शांति तो अभी भी है। 1-2 साल में कितना ही कुछ बदल सकता है भाई, कितना ही कुछ। अब तो भाई बस घर ही घर दिख रहे हैं, यहाँ पे भी घर, वहाँ पे भी घर। तो बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे 2 कॉलेजेस हैं जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे घर बन रहे हैं। लोग लिटरली क्या करते हैं कि रेंट के लिए रूम्स बना देते हैं, ठीक है, हॉस्टल बना देते हैं जो भी है, और उसको रेंट पे दे देते हैं। तो यहाँ पे सारे रेंट के बच्चे रहते हैं, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो रहते हैं। पर ऑब्वियसली पहले ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है। मुझे बस ले लिया, पर मुझे मेरे नक्षत्र सही नहीं लग रहे, वैसे तो मैं 1/2 घंटा पहले पहुंच गया हूँ। बोला तो मुस्कान होटल था, मुस्कान होटल के आ गई हूँ, तो देखता हूँ पर क्या होता है।